हाँ सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह की शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो बहुत से लोग बीमार भी हैं, मुझे पता है कि जो मौसम ऐसा चल रहा है, मेरे घर में कुछ लोग बीमार हैं, तो आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं कर दी हैं कि मेरे घर में सब लोग सेहतियाब हो जाएँ। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ, और आज का मेरा टॉपिक आप लोगों ने देख लिया होगा, मेरा थंबनेल देख लिया होगा कि सैफी हॉस्पिटल पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। क्योंकि हमारे साथ जो हुआ तो वो शायद ही कोई किसी और के साथ भी हुआ होगा, उससे ना वीडियो बनाई, लेकिन मैं तो बनाऊँगा। बहुत से लोगों ने मुझे ये भी बोला कि मास्क लगा के वीडियो बनाना, तो भाई मैं मास्क लगा के क्यों वीडियो बनाऊँ, मुझे डर थोड़ी है किसी का। मेरे साथ तो हुआ, प्रूफ है मेरे पास, सारी स्लिप सब वगैरह सब है, हम तो सैफी में पर पिक्चर है। तो बस यही है कि मैं बोलना चाहूँगा कि कोई अपने ना दुश्मन को भी इस हॉस्पिटल में ना भेजें। रिसेंटली मेरी नानी की देखो, ये आप लोगों ने वीडियो शेयर किया था, अपने प्यारों को मत भेजिएगा, ये मेरी मम्मा की भी आवाज़ है, प्लीज़ वहाँ आपने किसी प्यारे को नहीं भेजिएगा वहाँ। तो बस मेरी नानी को हम लोग वॉश में ले ही गए थे, ठीक है, इतनी दादों की तबियत ख़राब नहीं थी, बस ऐसी नॉर्मली हो रही थी, एक पेशेंट की जो होती बुखार वगैरह में, तो वॉश में थी, और अमन एम्बुलेंस में लेके गए थे, और अल्लाह की शुक्र उन्होंने भी वैक्सीन अच्छा ट्रीटमेंट रखा, तो उनसे कोई शिकायत नहीं है। तो ये कि हम लोग कई हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, बस परेशान थे, जब सैफी हॉस्पिटल जाते ही हम उस हॉस्पिटल हमें रस्ते में, तो पैसों को वो नहीं था, ठीक है कि अब बस इंसान को लगता है पैसे जितने भी थे, हमारा जो हमारा करीबी जो भी है, प्यारा जो भी है, मेरे अल्फाज थोड़े आप लोग इग्नोर करिएगा, मेरी मम्मा साथ देती है पीछे से, तो बस ठीक होना चाहिए। तो हम लोग ले गए वहाँ पे, पहले ही लोग लेके जाते हैं इमरजेंसी में, आधा घंटा करते हैं, ठीक है, मेरी मम्मा अंदर जाती हैं, उनको डरा देते हैं कि इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है, मम्मा बाहर आ जाती हैं, जाहिर सी बात है उनकी माँ थी, उनको थोड़ा रोना वगैरह आ जाता है, तो बाहर आ जाती हैं, सारी खालों वगैरह को बताती हैं, हम सब टोटल बाहर खड़े हैं, अंदर किसी एक बंदा सिर्फ जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा, इनके गार्ड्स की यार इतने दिमाग हैं, इतने दिमाग हैं, अरे आप गार्ड्स हो भाई, डॉक्टर नहीं हो आप, इस तरीके से झाड़ रहे लोगों को, बाहर जाओ, ये करो वो करो, गार्ड्स के पोछा लगाने वाले कितने दिमाग हैं, फीमेल को नहीं, मेल बुलाओ, मेल को बुलाओ, मेल को बुलाओ, ये कोई तरीका थोड़ी, अगर अपने इंसान प्यारे को किसी को लेके जा रहा है तो ये थोड़ी कि फीमेल भी जाएगी, मेल भी जाएगा, दोनों जाएंगे वो, लेकिन नहीं, मेल आएगा खाली, खाली फीमेल नहीं जाएगी अंदर, कोई तरीका नहीं था डॉक्टर का ना, गार्ड्स का बता दी, डॉक्टर्स की तो इससे ज़्यादा नखरे हैं भाई, डॉक्टर्स तो बात ही नहीं करते सीधे में, फिर आधा घंटा इमरजेंसी में रख के मेरी नानी को ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है आईसीयू में, ठीक है, आईसीयू में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है, बड़े बड़े पर्चे बना के दिए जा रहे हैं, 20,000 के इंजेक्शन, 30,000 के इंजेक्शन, ये देखें आप, ये मास्क है पास नहीं, आप देख रहे हो इस मास्क पर देख के अंदाजा आपको लग रहा होगा, ये मास्क सिर्फ 2 मिनट यूज हुआ है, ये मास्क की कीमत है 10,000 रुपये, ठीक है, ये मास्क पर कोई मेडिकल फील्ड वाला देख रहा होगा तो, और हर 5-10 मिनट के बाद पर्चा आगे, हर 5-10 मिनट के बाद पर्चा आगे, 20,000 रुपये का बस खर्चा हो रहा था उसके अंदर, क्या कर रहे थे उन दवाइयों से, क्या कर रहे थे इंजेक्शन वगैरह से, कुछ नहीं पता हमें क्या अंदर हो रहा था, हमें नहीं पता, जा सकते थे, ठीक है, अंदर आईसीयू के यानी डोर्स के बाहर भी, अंदर भी डोर्स हैं भाई, और अंदर का आप कुछ नहीं देख सकते, ठीक है, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन गर्दन उनकी टेढ़ी हो रही है, कोई सीधा करने वाला नहीं है, ऐसे कितने पेशेंट थे जो बस सांसें गिन रहे थे अपने, लेकिन उनका किसी को प्यारों को, उनको बाहर बैठे हुए बेचारे वेट कर रहे हैं, जिनके बेचारों की चप्पलें टूटी हुई हैं, लेकिन क्या हर 5-10 मिनट बाद उनको भी बेचारों के लिए पर्चा आगे किए जा रहे हैं कि ये लो दवाइयाँ लिया, अरे उनकी हालत तो देखो, वो बेचारे नहीं ले सकते, तुम क्या कर रहे हो उनके साथ, क्या नहीं, ठीक है, लेकिन ये है कि उनकी गर्दन तो कम से कम करो, सीधी करो, सफाई करो, नाक में नलकी डाली, वो खून सारा मेरी अम्मी के, यकीन करें ऐसा लग रहा था इन लोगों को जाके मैं कत्ल कर दूँ, बस मेरे ये नहीं कर सकती थी, लेकिन बहुत कुछ करने का दिल कर रहा था, अब मैं बस आपके आगे, ये मेरा बेटा है और ये आपको शेयर कर रहा है ये सब बातें, ये है कि आप अपने कोई भी लगते जिगर आपका कोई भी प्यारा हो, बस आपको वहाँ पर नहीं जाइएगा प्लीज़, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लोग पैसा खींचते हैं और डिस्चार्ज तक नहीं कर रहे थे मेरी नानी को, क्योंकि थोड़ा टाइम रह गया था मगरिब में, और मगरिब के बाद हमें दोबारा 70,000 में जमा कराने थे, तो इसलिए डॉक्टर परमिशन नहीं दे रहे थे, मेरे मामू ने थोड़ी लड़ाई की, मेरी मम्मा ने लड़ाई की, मेरी मम्मा ऐसे खोल के चली गई गेट, मेरी नानी को देखा तो मेरी नानी ऐसी पड़ी हुई थी, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था सही से, उनको ऐसे लिटाया हुआ था, उनकी गर्दन ऐसी थी, अरे हम तो घर में भी उनको ऐसे नहीं छोड़ते थे, तो वहाँ कहते छोड़ देते, एक डॉक्टर कहते हैं कि ना आपकी मरीज की हालत सही नहीं, आप ऐसा करें इनको घर ले जाएं, इनको दुआओं की ज़रूरत है, एक डॉक्टर कहता है कि अभी आप परसों तक वेट करें, इंशाल्लाह ये कोमा में से निकल कर आ जाएंगी, कोमा में भी भेज दिया उन्होंने, और ये कि ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, वहाँ पे दो डॉक्टर इस तरह जवाब दे रहे थे, समझ नहीं आ रहा था वो अंदर मरीजों के साथ कर क्या रहे हैं, जब इनके डॉक्टर ऐसे तो गाइस आप खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि एक कोई डॉक्टर तो टिकता ही नहीं है, रात भर उनको आईसीयू में रखा गया, मैं जाके पूछता हूँ डोर बजा के, तो गार्ड्स कितने
माँ के बोले जाओ जाओ 1 बजे डॉक्टर आएगा पैर के, अभी आप बैठ के वेट करते रहो, सुबह जवाब देंगे आपको। तो क्या हमारे पूछने का आदमी लाखों जमा कराए मेरे भाई, लाखों जब आप लोगों ने आईसीयू में अंदर रखा है, तो गार्ड्स के इतने दिमाग है। बाकी तो थोड़ा बहुत मेरी मम्मा भी आपको बता रही हैं, क्योंकि मेरे थोड़ा घर में भी आना जाना था, क्योंकि घर में सिस्टर वगैरह सब थी मेरी, और घर को भी देखना पड़ रहा था, ये लोग ज़्यादा हॉस्पिटल में थे, मैं कम था। तो लास्ट टाइम भी मामा अंदर चली गई थी, तो मामा ने देखा, थोड़ा सा आपको मामा बताएंगे कि नानी सर क्या हो रहा था। बहुत बहुत बुरा हो रहा था। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग जो कोई भी हो, मेरे बच्चे का ब्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, अगर आप वहाँ लेकर जाते हैं तो, लेकिन ये है कि आप देखें उनको, वो आपके मरीज़ के साथ कर क्या रहे हैं। प्लीज़ मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप सेफी हॉस्पिटल में या तो लेकर नहीं जाएं, और अगर जाएं तो देखें आपके मरीज़ के साथ हो क्या रहा है। वो दवाइयाँ देखें जो हर 5-10 मिनट बाद, जो कहते हैं ना कि 5-10 हज़ार किए, 10 हज़ार किए, 5 हज़ार किए, वो दवाइयों पे आप फोकस करें कि वो आ रही है तो वो जा कहाँ रही है। आप प्लीज़ मेरे प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, आप जो भी कुछ मेरे बेटे का ब्लॉग देख रहे हैं, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप जाएं अपने प्यारों को लेके, तो बस देखिएगा ज़रूर वो कर क्या रहे हैं आपके मरीज़ के साथ। मेरी और आपसे लोगों से यही इल्तिजा और गुजारिश है। और अभी भी हमारे 6,000 रुपये रहते हैं, ठीक है, हमारी कुछ स्लिप्स रहती हैं, लेकिन उन लोगों का कॉल नहीं आई है हमारे पास कि आप आके अपने ड्यूज दे जाएं, ऐसे ही लोग। तो बस मेरा व्लॉग यहीं तक और तखिया तक, यकीन करें आपने, तखिया तक वो मेरी अम्मी के सर से खींच लिया इन्होंने कि हमारे तखियों की कमी है। अरे तो तुम लोगों ने ये इतना पैसा खाया, वो लिया तुमने, कहाँ गया वो तुम्हारे? एक तखिए की कीमत हमारी माँ से बढ़कर नहीं थी। ऐसे हज़ारों तखिए, क्या हज़ारों पैसे कुर्बान होते हैं अपने प्यारों के ऊपर से। आप लोगों को खुद को पता है कि जहाँ अपना प्यारा लगते जिगर होता है, वहाँ पर तो कपड़ा क्या, हर एक पैसा भी कुर्बान कर देते हैं। वो एक तखिए की क्या औकात थी, वो तखिया भी मैंने उठाकर फेंका, जाओ ले जाओ, मेरी माँ का सदका गया। और ये लोग चीज़ें भी ऐसे लगाते हैं, कैनुला ऐसे लगाते हैं कि सूजन रहती है हाथों में, नलकियाँ ऐसे घुस रहे हैं नाक में, और यूरिन वगैरह की इंसान खून खून हो रहा है। तो अरे स्टाफ तो पहले आप लोग कर लो, लाख रुपये ले रहे हो आप। तो बस मेरा ब्लॉग यहीं तक का था, और एक सब मूवी मैंने आपको ये भी दिखाया, ठीक है, बाकी पिक्चर भी आप लोग शेयर करूँगा। और बस यही है कि आप लोग कभी सेफ हॉस्पिटल ना जाए, कोई अच्छे हॉस्पिटल लेके जाए अपने प्यारों को।